दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी रोचक बातें हैं जो लोगों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोग इन चीज़ों के रहस्य को रहस्य ही रहने देते हैं। कई ऐसे प्राणी भी होते हैं जो इनकी तह तक भी जाते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार संगमरमर और हाथी दांत की सफेदी लिए ताजमहल हर किसी को अपसुहाना लगता है। 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कुल 22 वर्षों तक चलते हुए 1653 में जाकर समाप्त हुआ। इसमें कुल 20,000 मजदूरों ने काम किया। बताया जाता है ताजमहल के निर्माण में उस समय तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो उस समय की सभी इमारतों की लागत से सबसे ज्यादा थी। कि सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले 1824 में इंग्लैंड में हुआ था, तो आखिर कैसे बिना सीमेंट के ताजमहल का इतना मजबूत निर्माण किया गया। इसमें एक अच्छी बात यह है कि ताजमहल की नींव में भी सीमेंट और कंकड़ पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया था। दोस्तों, ताजमहल की नींव बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। आपको ये बात जानकर शायद थोड़ा अविश्वास हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसकी नींव में अबनस के पेड़ लगाए गए थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ताजमहल के पास यमुना नदी बहती है और अबनस के पेड़ 30% नमी धारण करके लंबे समय तक मजबूती से खड़े रह सकते हैं। इन्हें नमी प्राप्त होने के बाद दीमक भी नहीं लगती, लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि यमुना नदी का जल स्तर कम हो रहा है। यदि ऐसा लगातार चलता रहा तो आने वाले कुछ ही समय में ताजमहल का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर ताजमहल में संगमरमर के पत्थर चिपकाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता था। दोस्तों, उस समय सीमेंट जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था और बादशाह चाहते थे कि इसे सदा सदा के लिए मजबूत बनाया जाए। इसी वजह से इसके निर्माण के लिए एक खास तरह का घोल तैयार किया गया था। इस घोल में बड़ी मात्रा में चिकनी मिट्टी, गुड़, गोंद, दाल, चीनी और कई मजबूत पकड़ रखने वाली चीज़ों का प्रयोग किया गया था। इन सभी चीज़ों के अलावा ऐसी कई सीक्रेट चीज़ें मिलाई गई थी जिनकी जानकारी नहीं है। इसमें संगमरमर के अलावा मूंगा, मोती जैसे अनेकों महंगे रत्नों का भी प्रयोग किया गया था। दोस्तों, ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, इसका इतिहास भी लोग जानते हैं, लेकिन ताजमहल के बारे में आज भी ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते। अब सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो इसलिए क्योंकि उस समय दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर सांझा का ताजमहल बना कैसे। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में सीमेंट नहीं था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए खास तरह का पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इस पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, पत्ता से बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ आदि को मिक्स किया जाता था। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारत को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की जाती थी और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी है। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल की कुछ रहस्यमयी बातें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।